हेलो प्यारे दोस्तों, सभी प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। भगवान से यही प्रार्थना है दोस्तों। और दोस्तों, आज मैं घर पे हूँ, तो आज के लिए आज आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। और दोस्तों, बहुत अच्छी बहुत ख़ास रेसिपी है। आप हमारी पूरी लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना और वीडियो बीच में स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं सिर्फ रेसिपी ही लेके आई हूँ दोस्तों। बीच में और कोई ब्लॉग मैं नहीं डाली हूँ, सिर्फ रेसिपी आपको बना के दिखाऊँगी। तो पूरी वीडियो मेरी लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत अच्छी बहुत ख़ास बनेगी, आपको भी पसंद आएगी। अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, आज का न्यू वीडियो शुरू करते हैं। तो ये दोस्तों देखिए, मेरी जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ, जो ये सबसे पहले मैं रेसिपी में आज बना रही हूँ आपके लिए, बहुत ख़ास बहुत अच्छी, जो आपको बहुत ही अच्छी लगे शायद। तो ये यहाँ पे मैंने कढ़ाई लिया, कढ़ाई में मैगी डाल दी हूँ, एक गिलास पानी डाल दिया हूँ, और इसमें मसाले नहीं डाली हूँ, क्योंकि मसाले मैं बाद में डालूँगी। तो जो इसके अंदर पैकेट होता है मसाले का, वो मैंने रख दिया बाहर निकाल के, और मसाले को बाद में डालूँगी। इससे पहले बॉईल कर लिया, बॉईल करके फिर दोस्तों मैं यहाँ पे आटा लिया है एक कटोरी, और आधी कटोरी सूजी लिया है। फिर इसमें अजवाइन डाली, अजवाइन डालने के बाद फिर इसमें मैंने थोड़ा सा कड़ी पत्ते, मेरे पास सूखे पड़े हुए थे, मैं सोचा चलो इसे डाल दें, तो इसमें कड़ी पत्ते डाल दिए। और फिर उसके बाद 2 चम्मच तेल डाले, फिर नमक स्वाद अनुसार डाले। फिर अच्छे से हमें क्या करना है, मिक्स कर लेना है तेल नमक सारे जो है। मिक्स करने के बाद हल्का से पानी डाल के थोड़ा थोड़ा करके गून लेना है। फिर एक अच्छा सा डो तैयार कर लेना है। तैयार करके दोस्तों मैंने उसे रख दिया है आटे को, कि थोड़ा सा सूजी उसमें है तो फूलेगी, थोड़ा 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया। अब इधर जो मैंने मैगी उबाल के रखी थी, तो उसमें तड़का लगने जा रहा है। तो तड़के में पहले सबसे पहले मैंने जीरा डाली, हरी मिर्ची डाली, साबित धनिया डाली कूटकर, अजवाइन डाली, ये सारे मैंने तेल में अच्छे से पहले चटका लिए। फिर उसके बाद हल्दी मिर्ची ये दोनों चीज़ मिक्स करके डाल दी, और ये आलू थोड़े से डाल दी पहले। आलू को अच्छे से मसाले में मैंने मिला लिया। अब मिलाने के बाद दोस्तों ये मैगी जो मैंने पहले बॉईल करके रखा था, इसी में साथ में डाल दिया। और थोड़ा सा ये जो है कस्तूरी मेथी डाली, और जो मैगी मसाला था वो भी डाल दिए, स्वाद अनुसार नमक डाल दिए। और फिर जो आटा मैंने गूंद के रखा था, तो ये देखिए दोस्तों मैंने छोटी छोटी लोई तैयार कर ली। ये रोटी एक हमें बेल लेना है, फिर इसमें थोड़ा सा एक हमें डिजाइन दे देना है एक चाकू की मदद से। तो ये मैं चाकू की मदद से ये देखिए पतली पतली इसकी डिजाइन बना दे रहे हैं। फिर इसे आधा आधे में करना, पूरे में नहीं करना है दोस्तों, आधे में करके फिर इसे आधे करके फोल्ड कर देना। फोल्ड करके एक समोसे वाला शेप दे देना है। तो देखिए यहाँ पर मैं जो है समोसे वाला शेप दे दी हूँ। फिर इस जैसे समोसे भरे जाते हैं, तो ये जो स्टफिंग मैंने फ्राई करी थी, ये अब इसमें डाल देना। फिर किनारी साइड में पानी इसमें लगा देना है। पानी लगाने से क्या होगा, हमारे जो समोसे बनाई हूँ इसमें खुलेंगे नहीं, इसका मुँह खुलेंगे नहीं। तो इस तरीके से मैंने सारे बनाकर पहले इकट्ठा रख लिया, क्योंकि निकालने में आसानी होगी। तो एक साथ बना के रख लिया। फिर तेल गर्म हो गया, गर्म होने के बाद ये हल्की धीमी आँच में हमें पकाना है। अगर हम तेज आंच में पकाएंगे तो दोस्तों इसमें जो अंदर हैगा वो पकेगा नहीं, क्योंकि इसमें मैंने डबल फोल्ड करके समोसे इनको बनाया है। क्योंकि अगर सिंगल होते तो फिर भी पक जाते, पर धीमी आंच में हमें इस वजह से पकाना कि अच्छे से अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे अच्छे से क्रिस्पी पक गए हैं, एकदम लाइट ब्राउन हो गए हैं। और सारे एक एक करके मैंने इस तरीके से सारे समोसे को उसे बना लिया है। और इसमें जो डिज़ाइन बनी दोस्तों, कितनी अच्छी लग रही है, आपको कैसी लगी? और ये जो थोड़ी स्टफिंग बची है ये रख दी मैंने, कुछ और मुझे अलग बनाना है तो आपको दिखाऊंगी वीडियो में, बने रहिए। और तो ये लीजिए दोस्तों, देखिए दोनों तरफ से मेरी ये डिज़ाइन बनी हुई है, और कहीं भी समोसा ये निकला नहीं है। और अब फोड़ के आपके दिखाऊं तो दोस्तों ये देखिए कितना क्रंची है, क्रंची क्रिस्पी।
और ये देखिए अंदर ये स्टफिंग है। कैसे लगे दोस्तों? तो दोस्तों ये मैंने जो बनाया है गेहूं के आटे से बनाया है, बहुत क्रंची बहुत क्रिस्पी बने हैं। अब यहाँ पे जो मैंने स्टफिंग रखी थी उठा के रख दिया था, आटा और स्टफिंग जो उठा के रख दिया, तो अब यहाँ पे मैं दूसरा एक अच्छा सा डिजाइन बना रही हूँ। डिजाइन सेम वही है दोस्तों, पर इसकी रोलिंग अलग है क्योंकि ये रोल करके मैं बना रही हूँ। तो वही स्टफिंग इस तरीके से हमें भर देना है लंबे लंबे लंबा से, ताकि हमारी ये एक रोल के जैसे बन जाए। तो इसमें किनारी साइड में हमें पानी लगा लेना है ताकि ये खुले ना। तो पानी लगा करके इस तरीके से हमें इसे फोल्ड करते जाना है। ऊपर जो मैंने ये कटिंग करी थी चाकू से, उसकी ये डिजाइन बन गई। और देखने में दोस्तों बहुत अच्छी लगती है और खाने में इसका स्वाद तो अलग ही है। तो यहाँ पे मैंने सारे इसी तरीके से बना लिया, फिर तेल गरम करके इसे फ्राई कर लिया, वो भी धीमी आंच में। इसे भी पकाना है क्योंकि हमें तेज़ आंच में पकाएंगे तो ऊपर पक जाएगा, अंदर तक ये पकेगा नहीं। तो हमें लो टू फ्लेम में ही पकाना ताकि हमें अच्छे से पक जाए और क्रिस्पी बने। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये मैंने इस तरीके से बना लिया है, और इधर समोसे बना लिए, और ये थोड़े से आटा बच गया था तो उसमें मैंने पूड़ी बना लिए कि चलो ये आटा बर्बाद हो जाएगा, तो सोचा मैंने चलो आटा वेस्ट ना हो तो पूड़ी दो पूड़ी के लिए आटा बच गया था और बना लिए। ये रोल भी बन गए, समोसे बन गए, दोनों चीज़ बन गए, बना ली। ये समोसे भी क्रिस्पी हैं, ये देखिए एकदम क्रिस्पी बना रहा हूँ। और ऐसे ही ये भी है, ये देखिए ऐसे, और ये आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए एकदम क्रिस्पी हैं, आटे के हैं दोस्तों ये। तो दोस्तों कैसे लगी हमारी ये वीडियो? अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना हमने जैसे।